हेलो एवरीवन, माय सेल्फ श्वेता फ्रॉम जेआर कंप्लायंस। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क रेन्यूअल क्या होता है। तो सबसे पहले जब आप ट्रेडमार्क फाइल कराते हैं तो आपको भी पता है उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। कोई भी ब्रांड अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन तक के लिए बहुत सारे स्टेप्स और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, उसके बाद फिर आप डिपार्टमेंट का वेट करते हैं, फिर हो सकता है डिपार्टमेंट कोई ऑब्जेक्शन रेज करे, आपका ब्रांड जो होता है वो हियरिंग में भी जा सकता है, एंड उसके बाद फिर आपका एक्सेप्ट होता है। एंड एक्सेप्ट के 120 डेज के बाद आपका जो ब्रांड होता है वो डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट मतलब रजिस्टर करता है। सो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जब कोई भी ब्रांड यूज़र या जो भी कोई लोग यूज़ कर रहे हैं आप उसको कराते हैं। उसके बाद जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है तो आप चेक करेंगे जो आपको सर्टिफिकेट इशू होता है उसके ऊपर एक डेट मैंशन होती है, वो डेट होती है एक्सपायरी डेट। उसके अंदर ये मैंशन होता है कि आपका ये जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर तो हो गया, वो लाइफ टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको एवरी 10 ईयर्स में उसको रेन्यूअल कराना ज़रूरी है। अब रेन्यूअल कराना ज़रूरी क्यों है ये समझना ज़रूरी। देखिए, ग्रांट तो आपको हो गया, जब तक आप उस ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, आप उस ब्रांड को अपने साथ यूज़ कर सकते हैं, नेम को साथ में यूज़ कर सकते हैं। बट एक्चुअली कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज ब्रांड रजिस्टर तो कराती हैं बट वो चल नहीं पाती। तो उस केस में इसीलिए डिपार्टमेंट को ये श्योरिटी लेना होता है कि जो ब्रांड आपने रजिस्टर कराया था वो आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनकेस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ब्रांड डिपार्टमेंट उसको ऑटोमेटिकली उस ब्रांड को आफ्टर अ टाइम पीरियड उसको वो वहाँ से उसको रिमूव कर देता है। सो 10 ईयर्स में रेन्यूअल इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप खुद कर रहे हैं या आप किसी अटर्नी की हेल्प से कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई भी ब्रांड रजिस्टर कराए तो वो 10 ईयर्स कब उसके कंप्लीट हो रहे हैं उसको आप नोट करके कहीं भी रखिए। तो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि आपको जो ट्रेडमार्क रेन्यूअल का जो टाइम पीरियड होता है उसको रेन्यूअल कैसे कराना है और कैसे डेट्स का ध्यान रखना है। सो जो भी आपके लाइसेंस के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी डेट मेंशन होती है उससे 6 मंथ्स पहले आपको जो है रेन्यूअल का जो एप्लीकेशन है उसको फाइल कर देना चाहिए। 6 मंथ्स पहले अब जो आप फाइल करेंगे उसमें कुछ गवर्नमेंट फीस जाएगा, और साथ में आपका जो प्रोसेस है अगर आप किसी अटर्नी की हेल्प से करेंगे तो उसका गवर्नमेंट फीस एडिशनल करके आप रेन्यूअल फाइल कर सकते हैं। और इन केस सपोज अगर आप रेन्यूअल टाइम से नहीं कराते हैं तो रेन्यूअल की डेट जो होती है उसको क्रॉस होने के बाद आप विद इन 1 ईयर दैट इज 12 मंथ्स के अंदर अंदर भी आप री रेन्यूअल के लिए फाइल कर सकते हैं। तो जब आप इस टाइम पर रेन्यूअल को फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट फीस के साथ आपको रेस्टोरेशन फीस भी पे करना पड़ेगा। रेस्टोरेशन फीस इज कि आपका जो लेट फीस है या आप कह सकते हैं कि जो उसके ऊपर पेनल्टी लगनी है वो आपको साथ में उसको पे करके ही आप रेन्यूअल के लिए फाइल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रेन्यूअल के टाइम में ध्यान रखें। अब हम रेन्यूअल के साथ आपको एक चीज़ बताएंगे कि गवर्नमेंट आपको ये भी अलाउ करता है कि जब आप रेन्यूअल फाइल कर रहे हैं या तो आप डायरेक्टली जैसे ही आपका जो भी ब्रांड आपने रजिस्टर कराया था उसके अंदर कोई भी जो भी डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन कराया था या क्लास रजिस्टर कराई थी उसको आप डायरेक्टली एज इट इज़ ही दोबारा रेन्यू करा सकते हैं, या फिर इनकेस अगर आपको लगता है कि आपको मॉडिफिकेशन कराना है लाइसेंस, बिकॉज 10 ईयर्स अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी वर्क के अंदर कुछ चेंजेस हो, गुड्स हो सकता है आपने कुछ क्लासेस ऑफ गुड्स आपके बिजनेस में ऐड हुए हैं, तो वो पर्टिकुलर अगर उस क्लास में फॉल करते हैं तो आप उसमें मॉडिफाई करा के भी अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। सो रेन्यूअल के टाइम में आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। बाकी अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रेन्यूअल से रिलेटेड या कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप जेआर कंप्लायंस से एनी टाइम हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड अपने ब्रांड को रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।